हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम अगेन टू आवर विद्या विहार फैमिली। सो चलिए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि 23 जून का रहने वाला है, जिसमें हम लोग द हिंदू के एडिटोरियल से कुछ एक वर्ड को सेलेक्ट करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। चलते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड की ओर, जो कि हमारा बिगटेड, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है कट्टर, अटरली इनटॉलरेंट ऑफ एनी बिलीफ, यानी कट्टरवादी सोच का आदमी। जैसे ये पिक्चर आप देख सकते हैं, रेसिज्म, हेट, कास्टिज्म, यानी ये सब चीज जो होता है, ये सब चीज को जो फॉलो करते हैं मैक्सिमम, वो लोग क्या होते हैं, कट्टरवादी सोच के होते हैं, जिससे बहस करके आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। वही हमारा पहला सेंटेंस है, देर इज नो यूज टू आर्गू विथ बिगटेड पर्सन, कट्टरवादी सोच के व्यक्ति से बहस करके कोई फायदा नहीं है। सिनोनिम्स देखते हैं, बायस, नैरो माइंडेड, अनफेयर। एंटोनिम्स देखेंगे, ब्रॉड माइंडेड, टॉलरेंट, फेयर। कभी कभी किसी को देखकर लगता है कि इसका बिगटेड बिहेवियर इसके पेरेंट्स से इनहेरिटेड है, यानी कि वो जिस इन्वायरमेंट में रहा है वो इन्वायरमेंट ही कट्टरवादी सोचों का है, ऐसा लगता है किसी किसी को देखकर। चलते हैं सेकंड वर्ड की ओर, जो कि हमारा है एक्सोनरेट, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब के अंदर आता है। ये पिक्चर देख के आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये कोई कोर्ट रूम से रिलेटेड कुछ, इसका मतलब जो होता है वो होता है आरोप मुक्त करना, दोष मुक्त कर देना। I certainly have no intent of exonerating anybody who is accused. यानी कि मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि जो दोषी है उसको आरोप मुक्त हो, वह आरोप मुक्त हो, वह दोष मुक्त हो। He was totally exonerated of any blame. वह पूरी तरह से इस ब्लेम से आरोप मुक्त हो गया, इस दोष से आरोप मुक्त हो चुका है। ब्लेम मतलब आरोप। सिनोनिम्स देखते हैं, acquit, exempt, dismiss. एंटोनिम्स देखें, convict, condemn, damn. डोनेट करके आप सिर्फ अपना गिल्ट कम कर सकते हो, अपने आप को एक्सोनरेट नहीं कर सकते। डोनेट करके आप समाज में बस अपना नाम फिर से सही करने की कोशिश कर सकते हो, बट अपने आप को कभी दोषमुक्त नहीं कर सकते हो। जैसे कि मेरा सेकंड सेंटेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी दोषी हो, आई सर्टनली हैव नो इंटेंट, मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं उसे आरोप मुक्त करूं या दोष मुक्त करूं। चलते हैं थर्ड वर्ड की ओर, जो कि हमारा डेलिनिएट, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है बयान करना, वर्णन करना, चित्रित करना, यानी किसी को पोर्ट्रे कर देना। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, किसी घोड़े को आपने देखा, उसी का वर्णन करो, उसी को चित्रित करो, उसी को हम लोग बोलते हैं डेलिनिएट। बायोग्राफी मस्ट डेलिनिएट द रियल कैरेक्टर, बायोग्राफी जो होना चाहिए वो रियल कैरेक्टर का वर्णन करना चाहिए, उसको चित्रित करना चाहिए। सिनोनिम्स देखते हैं, डिफाइन, डेपिक्ट, ले आउट। एंटोनिम्स देखें, कंफ्यूज, डिस्टॉर्ट, फॉल्सिफाई। अपने सक्सेस के बाद वो अपने स्टोरी को डेलिनिएट करने का वेट कर रहा है। प्रत्येक लोगों की अपनी अलग सक्सेस स्टोरी होती है, अपने अलग स्ट्रगल स्टोरी होती है, वह जो अपने सक्सेस स्टोरी है उसको डेलिनिएट यानी बयान करने का वेट कर रहा है। चलते हैं फोर्थ वर्ड की ओर, जो कि हमारा है विजिलेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के अंदर आता है। ये सावधान इंडिया का पोस्टर देख के आपको समझ में आ गया होगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधान रहिए सतर्क रहिए, यही हमारा विजिलेंस का मतलब, सतर्कता। We should exercise extra vigilance about COVID-19. हमें सतर्क तो हमेशा रहना है, बट अभी पता है आपको COVID-19 का सिचुएशन चल रहा है, तो इस टाइम जो हमें एक्स्ट्रा सतर्क रहना है, मतलब थोड़ा अत्यधिक सतर्क रहना है, और इस एक्सरसाइज को हमें फॉलो करना है, इस आदत को हमें फॉलो करना है, सतर्कता के आदत को। नो वन कैन अफोर्ड टू रिलैक्स देयर विजिलेंस फॉर अ मोमेंट। अभी ऐसा टाइम चल रहा है ना कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि अपनी सतर्कता को थोड़े से एक पल के लिए भी छोड़ें, थोड़े से भी एक पल के लिए छोड़ दें उसको या भूल जाएं। सिनोनिम्स देखते हैं, अलर्टनेस, कॉशन, डिलीजेंस। एंटोनिम्स देखेंगे, नेग्लिजेंस, इंपल्सिवनेस, इंडिफरेंस। आज के टाइम पे अगर आप में विजिलेंस है तो इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। अगर आज के टाइम में आप सतर्क हैं, सतर्कता से रहते हो, ध्यान से रहते हो, सावधान रहते हो, तो इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। चलते हैं आज के लास्ट वर्ड की ओर और फिफ्थ वर्ड की ओर, जो कि हमारा कंजंक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है संकट काल की स्थिति, यानी कि क्रिटिकल स्टेट ऑफ अफेयर और क्राइसिस, यानी कुछ बहुत बड़ा संकट काल की स्थिति आ गई है। ये पिक्चर देख सकते हैं, बाढ़ या साइक्लोन के बाद ऐसी संकट काल की स्थिति आती है, यहाँ के लोगों के लिए, गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए, सबके लिए, यहाँ पे लोगों को खाना नहीं मिलता, रहने का दिक्कत, महामारी फैलने की समस्या, ये सारा जो कंडीशन है ये एक संकट काल की स्थिति कहलाती है। एट दिस कंजंक्चर वी नीड फर्म लीडरशिप, यानी कि इस संकट काल की स्थिति में हमें एक मजबूत लीडरशिप की जरूरत है। दिस इज ए कंजंक्चर नॉट फेमिलियर टू ऑल ऑफ अस, ये ऐसी संकट काल की स्थिति है जिससे हम लोग फेमिलियर नहीं है, क्योंकि कोरोना
भले ही कोविड सार्स वायरस जो है वो ऑलरेडी पहले आ चुका था, बट पहले वाला उतना डेंजरस नहीं था जितना कि अभी वाला। सिनोनिम्स है कैलामिटी, क्राइसिस, इमरजेंसी। एंटोनिम्स है अरेंजमेंट, प्रोविजन, ऑर्डरमेंट। कोरोना जैसे कंजक्शन ने पूरे कंट्री की इकोनॉमी पंचर कर दी है, ये तो सही बात है। इस ऐसे संकट की स्थिति आ चुकी है कि पूरी इकोनॉमी पंचर हो गई है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वंस।